मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी इंटरनेशिया के 8 संचालकों पर चुमनगंज मंडी थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया। पुलिस ने कंपनी के आधा दर्जन से अधिक ठगोरों को गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस ने कंपनी के खाते सीज कर दिए। जांच की जा रही इंटरनेशिया कंपनी के खिलाफ एक दिन पहले 2 दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं ने कंट्रोल रूम पर ASP अमरेंद्र सिंह को शिकायत की थी। पीड़िता बुलबुल प्रजापति ने शिकायत की थी। कंपनी उन्हें जॉब देने के बहाने बुलाया और ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग में मल्टी लेवल मार्केटिंग करने के लिए माइंड वॉश करके उनसे 46,500 रुपये जमा करवा लिए। काम की तलाश में भटक रहे बेरोजगार छात्र छात्राओं को कंपनी के कर्मचारी ठगी का शिकार बनाते हैं और उनके पैसे मांगने पर भी धमकी देते हैं, जिसके बाद चिमनगंज मंडी थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। जिस समय छात्र छात्राओं ने शिकायत की थी, ठीक उसी समय कंपनी का मनोहर पैलेस में सेमिनार चल रहा था। छात्र छात्राओं ने सेमिनार की जानकारी पुलिस को दी और इसे अन्य छात्र छात्राओं को ठगने का षड्यंत्र बताया, जिसके चलते चिमनगंज मंडी थाना पुलिस चलते सेमिनार से कंपनी के अधिकारियों को पूछताछ के लिए थाने लेकर आई और उन पर धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया। पुलिस ने कंपनी के सभी बैंक खातों को सीज कर दिया, जिनमें 2 करोड़ से ज्यादा रुपए बताए जा रहे हैं। मैं पिछले लेटर में शिकायत ये लेके आई हूँ कि इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट मार्केटिंग जो लिमिटेड जो कंपनी है, उसमें हमको बताया गया जॉब के लिए। हम तो स्टूडेंट है, नॉर्मली हम लोग स्टूडेंट, अभी कॉलेज चल रहा हमारा। अरे आपको पता है कोरोना में बहुत सारे बेरोजगार है, सिर्फ हम लोग भी बेरोजगारी पे चल रहे थे। हमको कंपनी से कॉल आया 3 दिन पहले, डॉक्यूमेंट सेंड करवाया और बोला गया कि आपको यहाँ पे 4 दिन की ट्रेनिंग होगी, 5वें दिन अप्रूवल होगा, अप्रूवल के बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी। बट हमको जॉब के लिए बुलाया गया, जॉब में फंसाया गया, 4 दिन की ट्रेनिंग करी गई और जो ब्रेन वॉश किया हमारा, मोटिवेट किया 4 दिन, इतना खतरनाक तरीके से हमारा ब्रेन वॉश करा। उसमें बताया गया कि यहाँ पे कपड़े खरीदने, आपको अगर कपड़े खरीदने होते सर हम कहीं पे भी शॉप पे खरीद लेते, पर हमको 4 दिन बताया गया। 46,000 रुपये हमसे लिए गए। अब 46,000 सर हम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से लेके आए थे 46,000। ये माइंड वॉश किस तरह करते हैं? मोटिवेट सर, मोटिवेट बताता था, BMW मिलती है, एक 6 मंथ में अगर कोई मार्केट वगैरह बन जाता तो ऐसा पैसा मिलता है, 1 लाख भी मिलता अगर है। सर ऐसा पैसा मिलता, 1 मंथ की बता रहे हैं, 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख अगर ऐसा कुछ होता तो किसी SP को भी तो मिलता सर। आपको कब मालूम पड़ी ये सब? 4 से 5 दिन बाद हमको, जब बाहर गए हम लोग, हमने तो घर पे भी नहीं बताया था। जब हम 4-5 दिन बाहर निकले तो हमको घर पे हमारे फ्रेंड वगैरह से पूछा तो फ्रेंड वगैरह ने बोला कि ये फ्रॉड कंपनी है। ऐसे सर हम लोग नहीं, लाखों बेरोजगार लोग है, हम तो गांव के। कितना पैसा आपने जमा किया था? 46,000 रुपये जमा किया। कितने लोगों ने इन्होंने पैसा जमा किया? हम लोगों ने 10 से 12 जन ने। अच्छा। और भी कुछ लोग हैं इनके साथ में? फोन हम लोग फोन लगाते हैं, हम लोग मक्सी रोड सेंटर पे गए, हमने बोला हमारे सर मार्किस सुनील जी, मार्किस किशन जी, मार्किस निखिल जी, जो मार्किस रोबिन जी है, प्लस लड़कियों का आगे करते हैं MD मोहित जोशी जी, कमलेश जी, हम लोग इनके पास फोन लगाते हैं तो ये लोग बोलते हैं हम लोगों को क्या आ, और फोन बंद कर देते, हमको धमकी देते हैं और बाहर से बड़े बड़े लोगों को बुला के लड़कियों के साथ बोलते हैं कि लड़कियों को मारना है, ऐसा करना है। थाना पुलिस क्या सहायता कर रही है आपकी? आप हमारी थाना कोई भी पुलिस हमारी सहायता नहीं कर रही है सर। हमें हमारे 46,000 रुपये चाहिए पूरे, प्लस हम तो हमारे गरीब चिमनगंज थाने पे गए हम लोग वहाँ पे, तो वहाँ पे आवेदन रख लिया पर हमको दिया नहीं। हम लोग कम से कम 10 दिन चक्कर खा रहे, घर वाले को बोल रहे, घर वाले मतलब पुलिस भी सपोर्ट कर रही है उनका? जी सर, वहाँ पे चिमनगंज थाने में कमार की उसका जो किशन जी है वो आवेदन देके आए, कोई भी आपसे रिफंड का बोले, आर्मी सिलेक्टर हो उसका सर्टिफिकेट चेक, यही बोल रहे सर बारी की कंपनी इसकी जाँच हो, प्लस हमारा पैसा चाहिए हमको। क्या नाम है आपका? बुलबुल प्रजापत। कल कुछ युवा यहाँ पर शिकायत लेके आए थे कि इंटरनेशिया मल्टी लेवल कंसल्टिंग कंपनी है जो उनको झूठे ख्वाब दिखाकर कि हम आपको जॉब देंगे ऐसे करके उनसे पैसे जमा करवा लेती थी। कुल 46,500 रुपीज़ ये पर पर्सन लेते थे और इनको बोलते थे कि हम इसके बदले आपको गारमेंट्स देंगे और आप एक चेन फॉर्म आउट करिए। कई बच्चों ने अपने सोने की चेन गिरवी रखकर, कई बच्चों ने बाइक गिरवी रखकर इनको पैसे दिए। उसके बाद इन्होंने साफ न जॉब दिलाई और ना ही इनको गारमेंट्स दिए गए। इस तरह से इन्होंने कई युवाओं के साथ धोखाधड़ी करी है जिस पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया है। कुल 8 लोगों पर ये प्रकरण दर्ज हुआ है, आगे भी ये करोड़ों का मामला सामने आ रहा है, अभी प्राइमा फेसी और इसमें आगे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।